अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 8 क्लास एक्सरसाइज 5.2 कल हमने 6 सवाल कंप्लीट कर लिए थे, आज 7वां और 8वां करना है। 7th क्वेश्चन में 4 पार्ट्स है और 8वें में 6 पार्ट्स है। कुछ पार्ट्स इसमें से करेंगे, कुछ इसमें से करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 मल्टीप्लिकेशन है, कंटिन्यूटी है क्वेश्चन नंबर 6 की, और 8 डिवीजन, यानी कि ये नया आर्टिकल शुरू हो जाता है। ये बिस्मिल्लाह करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 7 में पी क्यू और आर की कीमतें दी हुई हैं। देन आपको पूछा गया पी क्यू मालूम करें, क्यू आर मालूम करें, पी आर एंड पी क्यू आर। तो मैं दो पार्ट से इसमें से करता हूँ। पहले हम पी क्यू मालूम करते हैं, पी और क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पी क्यू जो है, ये मैंने जो पी का पॉलीनोमियल है ऊपर लिख लिया, क्यू का नीचे लिख लिया, मल्टीप्लाई करते हैं। वाई स्क्वायर को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ गया। वाई स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये वाई स्क्वायर है, वाई वन है, वाई क्यूब जेड, ये मल्टीप्लीकेशन आपकी होगी पहली टर्म की। दूसरी टर्म माइनस एक्स जेड इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब और जेड, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब इसमें जमा का माल होगा प्लस का, इसमें दिया गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ऐसे ही उतार ले, माइनस वाई क्यूब जेड माइनस एक्स क्यूब जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद हम चौथा जो है पार्ट ये करते हैं पी क्यू आर। पी क्यू हमने मालूम कर लिया, ये इसका पॉलीनोमियल आंसर आया था, ये मैंने लिख लिया। और आर, आर का पॉलीनोमियल लिख नीचे लिख के इसको मल्टीप्लाई करना है। इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए, मतलब छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा। ये जेड स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस वाई क्यूब जेड की पावर बी क्यूब हो गई। नेक्स्ट से तो माइनस एक्स क्यूब और जेड क्यूब, इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई जेड फोर। अब नीचे वाली टर्म है माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब। एक्स क्यूब और वाई क्यूब हमारे पास नहीं है, माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब। नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा एक्स फोर प्लस, सॉरी ये प्लस वाई फोर, वाई फोर और एक्स सेट मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस आएगा तो हमारे पास आएगा प्लस एक्स फोर वाई जेड। ये माइनस एक्स वाई इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये इसके नीचे आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। बाकी आपका आंसर है माइनस वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब जेड क्यूब। अगर चाहें ये क्यूब वाली रकम इधर लिख लें, एक जैसा हो जाएगा, वगरना उतारते रहते हैं साथ साथ, प्लस एक्स वाई जेड फोर माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई फोर एक्स जेड और प्लस एक्स फोर वाई जेड, ये इसका आंसर। अच्छा, ये हमारे पास जो आंसर आया ये आया पी क्यू आर, इसको हम मखसूस तरतीब के साथ भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास पी क्यू आर जो आंसर आया, जैसे मैंने बोला था ये क्यू वाली टर्म इकट्ठी कर लें, बाकी जो है जिसमें एक टर्म फोर फोर की है उन्हें इकट्ठा करते हैं। पहले एक्स वाई जेड फोर प्लस वाई फोर एक्स जेड प्लस एक्स फोर वाई जेड, और क्यू वाली है माइनस वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब
जेड क्यूब माइनस एस क्यूब वाई क्यूब। अच्छा, इन तीन टर्म में एक्स वाई जेड कॉमन है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई बाहर चला गया, सिर्फ जेड क्यूब रह गया, एक्स तो जेड बाहर चला गया, वाई क्यूब रह गया, वाई जेड बाहर चला गया और एक्स क्यूब। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें और ये तरतीब से मैं लिख लूँ या ऐसे ही लिख लें, वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस एस क्यूब जेड क्यूब प्लस एस क्यूब वाई क्यूब, ये आंसर आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर एट, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है और ये नया आर्टिकल है डिवीजन का, जो अपना लेंथ में पॉलीनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ज़्यादा एक्स माइनस, इसको डिवाइड करना है एक्स माइनस टू से, जिसको डिवाइड करना है उसे ये तकसीम की अलामत के अंदर रखें और दूसरे को बाहर और इसको डिवाइड करते हैं हम। अच्छा, अब ये देखिएगा, हमने एक्स स्क्वायर लाना है, हमारे लिए ये जो आंसर है ना, ये स्टार्टिंग जो है आंसर में एक्स स्क्वायर आना ज़रूरी है, और किसकी मदद से आना, इसकी मदद से आना होगा पहला। तो इसका एक तरीका है, ये बाद में तो ज़ुबानी ही बंदा कर लेते, मैं आपको इनिशियल मेथड है बताता हूँ। हमने लाना है एक्स स्क्वायर, किसकी मदद से लाना है, एक्स से, इसे डिवाइड कर दें तो ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक्स आएगा, यानी अब हमने यहाँ पे एक्स लिखना है, एक्स जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का टू एक्स, एक्स के नीचे लिख दें माइनस टू एक्स, अब इनकी सिंबल चेंज करेंगे, प्लस माइनस और प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे बच गया 3x। अब हमने 3x लाना है, 3x लाना है और उसी x की मदद से x से डिवाइड कर दें, 3 आ गया 3, तो यहाँ पे प्लस का 3 लिखें, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया जी हमारे पास 3x और माइनस 6, ये 6 ऊपर से उतार लें माइनस 6, इन दोनों की सिंबल चेंज कर दें, प्लस माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आपका हासिल तकसीम आ गया क्वेश्चेंट। इसको लिखने का तरीका हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स को अगर हमने डिवाइड किया एक्स माइनस टू से, तो जो आंसर हमारे पास आया एक्स प्लस थ्री। इसके बाद आगे चलते हैं, ये कंपैरेटिवली लंबा क्वेश्चन है, इसको आपको बार बार करना चाहिए, ये बुनियादी क्वेश्चन है और अपना एट क्लास का शुरू से हिस्सा रहा है, लंबे सालों से ये इस किताब में रहा है, यहाँ पे प्लस आ जाता है, प्लस आ जाता है, यहाँ यही सवाल, इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखें जी, एक्स फाइव के बाद एक्स फोर आना था, एक्स थ्री आना था, काफ़ी चीज़ें मिसिंग है, तो और वाई फाइव मैंने फासले पे लिख दिया, एक्स माइनस वाई से डिवाइड करना है, और ये देखिएगा एक्स फाइव को इस एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स फोर, पावर एक कम हो जाएगी, एक्स फोर यहाँ पे, ये हम दबाने भी कर सकते थे, बहरहाल ये मैंने इनिशियल मेथड है, ये इब्तदाई वो मैंने आपको बताया, एक्स फोर इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स फाइव, अब दूसरे से माइनस एक्स फोर वाई, इनकी सिंपल चेंज कर दें, प्लस माइनस और प्लस, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया एक्स फोर वाई। इसके बाद एक्स क्यूब आना नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा, एक्स फोर लाना, अब मैं दबानी करूँगा एक्स फोर, चलिए लिख देते हैं इसको भी, एक्स फोर वाई लाना है हमने एक्स की मदद से, ये एक्स इसकी पावर को एक कम कर देगा, एक्स क्यूब वाई, यहाँ पे प्लस का एक्स क्यूब वाई आएगा, एक्स क्यूब इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स, फोर हो गया साथ वाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, सिंबल चेंज कर दें, पहले ने कटना होता है, और ये आपके पास आ गया एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, आपने एक्स क्यूब वाई स्क्वायर लाना है इसी एक्स की मदद से, एक्स से डिवाइड कर दें, एक्स इसकी एक पावर कम कर देगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा आएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। इसके बाद ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब,
इनकी सिंबल चेंज कर दें, ये कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब लाना है आपने उसी एक्स की मदद से, एक्स से डिवाइड कर दें, इसकी पावर एक कम हो जाएगी एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब इससे मल्टीप्लाई होता है तो ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आ गया। नेक्स्ट से होता है तो माइनस एक्स वाई फोर, इनकी सिंबल चेंज कर दें, प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया एक्स वाई फोर। अब हमने एक्स वाई फोर लाना है एक्स की मदद से, सिर्फ वाई फोर बच गया, वाई फोर इधर लिखें तो वाई फोर इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई फोर आ जाएगा। नेक्स्ट से मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई फाइव, ये हमारे पास ऊपर भी है, माइनस वाई फाइव प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल होगी और ये इसका आंसर है। इस पर देखिएगा कि यहाँ पे पावर फोर है, इसको थ्री और वन को ऐड करेंगे इस पावर फोर बनेगा, फोर बनेगा यानी कि फोर है क्यूब बाई की जाकर वन, दोनों को जमा करेंगे फोर, दोनों को जमा करेंगे फोर, ये इस तरीके से तवातर से ये चल रहा, आंसर की पहचान भी है। तो आप इसी तरीके से जैसे इसके आंसर को इजिकल टू लिख के आंसर ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एट सिक्स पार्ट, ये पॉलिनियम में डिवाइड करना है इसके साथ, जिसको डिवाइड करना है तकसीम की अलामत के अंदर लिख दिया, एक्स फोर के बाद एक्स क्यूब ने ये गैप छोड़ दिया, एक्स ने ये उसका गैप छोड़ दिया, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर, अब मैं इसको दबानी करूँगा, एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स फोर हासिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स फोर, अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा प्लस एक्स क्यूब वाई, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सिंपल चेंज कर दें, प्लस माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, आपके पास माइनस एक्स क्यूब वाई और माइनस के थ्री में से प्लस का बन गया तो माइनस का टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बच गया। अब माइनस एक्स क्यूब वाई लाना है, माइनस को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा सात वाई लिखते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स क्यूब वाई, नेक्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नेक्स्ट से ये प्लस आ जाएगा और एक्स और वाई की पावर थ्री, इनकी भी सिंबल चेंज कर दें, ये कैंसिल हो गया, माइनस टू में प्लस का बन गया तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई क्यूब। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई क्यूब और नेक्स्ट से मल्टीप्लाई होगा प्लस वाई फोर, ये हमारे पास ऊपर भी है इसे उतार लो वाई फोर, ये कंप्लीट जो है इसकी डिवीजन हो गई, तो ये हमारे पास आंसर आया। आंसर लिखने का तरीका फिर एक बार बता दूँ, एक्स फोर ये आंसर एंड में दूर ऐसा लिखा करें, इक्वल टू ये जो आपने आंसर निकाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। यदि आज का लेक्चर ख़त्म हुआ तो पहले में मैंने दो पार्ट्स किए हैं, यानी सेवन क्वेश्चन में, एट क्वेश्चन में मैंने तीन पार्ट्स किए हैं, तो ख़ास तौर पे आज एट क्वेश्चन जो है इसकी खूब प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के ज़रिए इसे शेयर करें और इंशाल्लाह कल इसे आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।